तो सर हम चाय पे कब आ रहे हैं आपकी तरफ? सर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। और ये सिर्फ मेरे लिए है या उनके लिए भी है? सबके लिए इंशाल्लाह। सबके लिए है। आप तीनों का तो काम है, बिजी है, आप और मैं ही होंगे जो चलेंगे। हाँ जी। तो कोई इशू तो नहीं अगर मैं साथ उनको ले आऊं? कदों क्या ऐसी मसरूफ हूं। आपने एक्टिंग का शौक भी रखा है somehow, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। बेसिकली द प्रॉब्लम इज, ठीक है, लेट मी टेल यू, आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो फिर वहाँ पर ये सीन होता है कि आई यूज्ड टू गो देयर और फिर शाम को वापस आती हूँ, तो वेयर इज द टाइम फॉर शूट। तो ये इशू है। लगा जितनी आप प्यारी हैं, लाखों दिलों की आइडियल हैं आप, ठीक है, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा ना, हमें वो तो शेयर करें जरा। फिलहाल मेरा कोई आइडियल नहीं है। होता है ना जिंदगी में जैकेट पाई होए बंदे ने, पीछे उसकी कैप होए, सामने दो तागे लटक रहे हो। मैंने अभी इस बारे में सोचा ही कभी नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, कैसा हीरो क्या सब पसंद है आपको? हीरो जैसे हीरो होते हैं, जैसे हमारे तो बहुत सारे हीरो हैं, चौहान साहब है जैसे बैठे हैं, ओन बैठे हैं, वासे भाई बैठे हैं, अकरम साहब बैठा है यार। नहीं नहीं, मैं उनसे बैठा जगह हीरो है, आई थिंक सो। अच्छा, तो कोई आइडियल नहीं अभी तक? नहीं, कोई आइडियल नहीं है। दिस इज समथिंग कि आपको पर्सनालिटी कौन सी पसंद है? कोई ये पर्सनालिटी बड़ी अच्छी डिसेंट पर्सनालिटी पसंद है मुझे। फिर तो चौहान साहब ही ने इतने कोई डिसेंट चले हो? वो अभी परसेंटेज आई कैन नॉट डिस्क्लोज। नहीं, मगर इतने तो कम से कम होना चाहिए ना, इतना डिसेंट। और वैसे भी ही हैज दिस सॉल्ट एंड पेपर लुक गोइंग फॉर हिम, तो आई थिंक दैट्स सूट तो कर रही इनको बहुत। इन दिया जुगता देना जाना नहीं, मासूमियत पे जाओ ना। कोई प्रेफरेंस आपकी कोई बता दीजिए, अगर नैरो डाउन कर सके हम चॉइसेस। कोई ऑप्शंस लेकर आए फिर मैं आपको बताऊंगी। हाइट वगैरह मुझे बता दें। मैं लंबी हूँ तो मेरे तो ये बन गया है कि अब लंबा ही एक बंदा हो। आपकी हाइट क्या है मैम? मैं 5'8" 5'8" है, तो 5'10" तक तो हो कम से कम, या 6'6" ठीक। आपकी कितनी है? मेरी 6 फुट। 6 फुट, ये देखा हुआ 6 फुट की बात कर रही थी आप, ठीक है। अच्छा, ये सवाल था उसके अलावा। मैं 6'1" कह रही थी। खुद गड़ा खोदा है और आप उसके अंदर कूदे हैं चौहान साहब। शूज पहन के 6'1" ही हो जाती होगी सर। चलो और पक्का कर रहे हैं। तो 6 फुट तो हाइट होगी। और कोई प्रोफेशन आपके जहन में हो? प्रोफेशन इट कुड बी एनीथिंग, इसलिए तो मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने सोच लिया होता तो ठीक है। तो ओपन एंडेड है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और लुक्स वगैरह के डिपार्टमेंट में अच्छा होना, व्हाट इज अच्छा रिलेटिव है? आप जितनी अच्छी मैं होता अच्छा होना। ये तो आम लब जन कोई आपके जहन में कोई एक्टर है आपके फेवरेट, आप रेफरेंस दे सके उसका? ड्रामास में ऑन ऑफ देखती रहती हूं, तो फवाद खान है। फवाद खान की लुक्स जैसा कोई आदमी हो? साडे को इंदर इस तरह चलिए आप कुछ तो दिखाएं। पहले प्लान की तेज नहीं होगी काफी? चौहान साहब ये बात बताइए, जब आप जेल जाते हैं दौरे पे, तो जाहिर बात है अभी तो दौरा ही है ना, क्या कहते हैं हुकूमत बंदा होता है ना, तो पुलिस की गड्डी आगे होती है। हां जी, तो हुकूमत लेना है ना, तो पुलिस की गड्डी पीछे होती है। अच्छा, फिर दूसरी गल, सियासतदान का जो घर होता है ना वो सरकारी घर ही होता है, उसकी रहायशगाह। हुकूमत होएगा तो GOR 1, हुकूमत नहीं होएगा तो अडयाला तो कैंप जेल है। When you visit the prison, तो वहाँ पे सर क्योंकि आपका बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा शार्प और बड़ा जबरदस्त है, वहाँ पे एक सीरियस इंसान होते हैं, कभी कभी आप इंटरेक्ट करते हुए इस तरह कर देते हैं जोक? अच्छा, मेरा एक मजाज है कि मैं सीरियस बात में से मजाक निकालता हूँ, मजाक में से मैं सीरियस बात करता हूँ। जेल से जाते हैं ना जिस जिन्हें छोटे केस होते हैं उन्होंने जूता कर दे, 302 कैदी नु मिलते भी नहीं। वैसे एक चीज नोट की कि जब से आप मिनिस्टर बने प्रिजंस के, बुज़दार साहब ने बहुत चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो क्या उनका इंटरेस्ट आपके जाने के बाद हुआ है, या फिर उनको शक है आप पे कि वो इसलिए खुद चेक करने के लिए जाते हैं? उस्मान बुज़दार साहब जना चीफ मिनिस्टर साहब ने काफी दिलचस्पी ली है, स्पेशली मेरे मिनिस्टर बनने के बाद रेडिकल किस्म की चेंजेस हमने लेके आए हैं और CM साहब की सुपरविजन में लेकर आए हैं, उनके मेन्यू से लेके उनकी कैदियों की और मुलाजमीन की बेहतरी के लिए। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि पिछले 70 सालों में जो प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाह पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई तमाम अदारों से सबसे कम थी। सबसे कम, ये भी एक फोर्स है ना। बिल्कुल, मतलब 1,00,000 रुपये तनख्वाह अगर बाकी फोर्सेस का कोई ग्रेड 15 का 13 का 10 का बंदा ले रहा है, तो हमारा जो है वो 40,000 ले रहा था। अगर कोई ग्रेड 1 का वहाँ पे 30,000, 35,000, 40,000 ले रहा है, हमारे पास 15,000 ले रहा था। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की और हमारी हुकूमत की हम सब की डिस्टिंक्शन है कि हमने अभी महीना पहले उन सब की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं जेल डिपार्टमेंट की, और उसके अलावा पे स्केल भी बढ़ाए हैं। और मैं मीटिंग करके आया हूँ प्रिजन फाउंडेशन की, जिसमें हमने फैसले किए हैं कि कैदियों और मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरी के लिए, और मतलब है 90% जिस मुलाजिम का बेटा या बेटी
नंबर लेंगी वो प्राइवेट सेक्टर पे 100% फ्री एजुकेशन अगली डिग्री की। फिर मैंने बेटियों की शादी के लिए मुलाजमीन की और अफसरान की, पहले सिर्फ 40,000 मिलता था, मैंने उसको 2,00,000 रुपया जमा। इस तरह की 20 एक्ट्स हैं जो हमने पिछले एक साल के अंदर, मुझे पूरा एक साल हुआ अभी बने हुए वजीर जेल खाना जात, तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क्यादत में और मैंने अपनी उसमें, हमने बहुत इंकलाबी इकदाम जो इससे पहले कभी नहीं, हमने ये बड़ा नोटिस किया, बड़ा ऑब्वियस हो रहा था कि बुज़दार साहब बहुत ज़्यादा जा रहा शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा विजिट सुना और बड़ी रैपिड और स्नैप विजिट्स थी उनकी। अच्छी बात है ना, वो सिर्फ इधर ही नहीं है, वो बाकी भी अस्पतालों में भी जाते हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जाते हैं, लेकिन जब एक उन्हें एफिशिएंट या आप कह लें एक्टिव मिनिस्टर मिल गया तो उसको और अच्छे अंदाज से बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव बीइंग अ सीएम उन्होंने किया और पूरा साथ दिया। वैसे ऐसे मिनिस्टर कितने होंगे हमारी काबीना में पंजाब में, आप जानते होंगे, आप डॉक्टर हम जानते हैं। मैं आप लोगों की बात कट कर रही हूं, महंगाई शंगाई को कौन देखता है? जान साहब आ गया अवामी सवाल, क्योंकि जिन्निया तुसी जेलां दी सहूलतां ते साडा दिल करदा सी चोरी करके अंदर चले जाइए। आप इस महंगाई का ना तसल्ली से जवाब सुनना है, ये जितनी महंगाई है ये बुनियादी तौर पे इस वक्त इंटरनेशनल फिनामिना है और इंटरनेशनल फिनामिना बिकॉज ऑफ COVID-19 है। मेरी जो बात सुन रहे हैं जो ताजर लोग हैं, छोटे दरमियाने बड़े सब जानते हैं और सब उसको एंडोर्स करेंगे, जो शिपमेंट शंघाई से या चाइना के किसी शहर से $400 की होती थी ना आज से 1.5 साल पहले, वो आज इस वक्त आपकी 10,000 से लेकर $14,000 में हो रही है। आपका कई सौ गुना ज़्यादा जाना आपकी सिर्फ शिपमेंट के और फ्रेट के खराजात हो गए पिछले 1.5 साल के अंदर। फिर चीज़ें महंगी हो गई। फिर आपकी इतला के लिए अर्ज है, पिछले टेन्योर के अंदर नवाज शरीफ साहब के $32 फी बैरल तक जो है वो आपका ऑयल था, आज आपका 88 से $90 फी बैरल है शिपमेंट, उसके अलावा फ्रेट का मैंने आपको बता दिया। हम जितनी चीज़ें मंगवाते हैं, ये आपका तेल हो गया, आपका एडिबल क्रूड ऑयल हो गया, दालें होगी, आपकी 90% चीज़ें जो है ना इम्पोर्ट होती हैं, वो बाहर से शिपमेंट के जरिए से आती हैं और इटसेल्फ वो खुद भी महंगी होती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी वजीर आजम या सदर होते तो क्या ये सारी सिचुएशन ना होती? तो मैं ये समझता हूँ कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन नाकाम कोशिश पिछले एक साल से कर रही है कि इस महंगाई की छतरी तले वो अपनी लूट मार को जो ना वो लेजिटिमेट करके पतली गली से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फरार हो नहीं पाते, हो नहीं पाते। जी आपको जवाब मिला अपने सवाल का कहीं पे? ठीक है, लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जर्मनी के अंदर चले जाएं, आप इंडिया इंडिया चैनल आप खुद देखते होंगे, उनके न्यूज चैनल उठा के देखें, वो सारा दिन कवरेज होती है, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान के अंदर जना महंगाई कम है और मोदी सरकार ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया, राहुल गांधी से लेके उनकी बाकी तमाम जना वो केजरीवाल जना जो दिल्ली का जो इनका वजीर आला है वो लगे होते हैं क्रिटिसिज्म करने, वो हमारी मिसाल दे रहे हैं। तो साढ़े सियासतदान जड़े सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक करप्शन और नैब के शिकंजे में आए हुए हैं, वो इस महंगाई की छतरी तले जाना वो चाहते हैं कि हुकूमत किसी तरीके से टॉपल हो और हम यहाँ से पत्ती गली से भागे। इस तरह ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कह रहे हैं कि टॉपल करके वो भागना चाहते, चौहान साहब खुद नहीं आना चाहते। वो एक तो वो बाहर गया हुआ है ना सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगरुल साहब जो है ना, उनके अलावा जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो मतलब अब तक नाकाम हुए ना। अभी इन्होंने कहा जी कि जनाब हुकूमत बिल नहीं पास करा सकेगी, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन और फला फला, अल्लाह पाक ने करम किया वो सारा कुछ हो गया। अब वो हर चीज़ के ऊपर जहाँ से उनको कुछ थोड़ा सा नज़र आता है ना कि हुकूमत या इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुँच सकता है, ये उसको जनाब अपना मुर्शिद बना लेते हैं। क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जनाब इनको पिछले 3.25 साल से कड़की तले लाया है, उनको तो पीटीआई की हुकूमत तो नहीं अच्छी लगेगी, वो तो इस महंगाई के इशू को सारा दिन इकट्ठा करके जनाब उसमें से जना चाय की प्याली में से तूफान उठाएंगे। ये देखे एक चीज मुझे जो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ कि वजीर इत्तला लगता है बोल रहा है। ये असल में सवा महीने बाद बोला हूँ।